हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक इट फॉर मी। आज हम आपके साथ हैं अकाउंट्स का एक और टॉपिक लेकर के, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लास्ट टॉपिक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का दिया था, राइट? आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है ना। पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर गुडविल होती क्या है, ये है ना। तो एक सिंपल सा बिल्कुल है, आप पढ़ा हुआ है आपने सब 11th क्लास में, थिंग इन नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, गुडविल के बारे में वही चीज़ है ना। गुडविल एक इनटेंजिबल होती है, ठीक है, एक इनविजिबल एसेट, वही लिखा हुआ है हमने, दिखती तो है नहीं है। अच्छा, वैसे अगर हम देखते हैं कि क्या होता है, तो गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है जो नंबर ऑफ कस्टमर्स को हमारी साइड अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मतलब हमारी कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, उतनी ही अच्छी हमारी गुडविल होगी। इसको हम रेपुटेशन भी कह सकते हैं, ये ऑनर भी कह सकते हैं हम अपने आप के लिए। तो ये गुडविल आपको एकदम क्लियर है कि गुडविल मीन्स रेपुटेशन, है ना। कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है आपके अंदर, कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने कस्टमर्स को, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कुछ बातें हैं, कुछ फैक्टर्स आकर हमने लिखे हुए हैं। अच्छा, वन मोर थिंग हम आपको बता दें कि ये जितने भी चैप्टर्स हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी जो थ्योरी है, वो थ्योरी हम आपको अपने नोट्स के थ्रू आपको सब दे देंगे, राइट। और बहुत जल्दी इसकी हम बुक भी मार्केट में निकलवाने वाले हैं, ठीक है, पब्लिश हो जाएगी हमारी बुक। लेकिन हम उससे पहले आपको नोट्स अपने हैंड राइटिंग में ही बने हुए जो नोट्स रखे हुए वो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसकी टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं, आप न्यूमेरिकल पोर्शन समझ लें अच्छे से, ठीक है। फिर भी हमने कुछ अभी जैसे स्टार्ट किया तो बेसिक तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। क्या इफेक्ट है, जैसे सिचुएशन ऑफ द फर्म, कहाँ फर्म कहाँ सिचुएटेड है, ऐसी जगह है कि नहीं है कि लोग ईजिली वहाँ तक पहुँच सकें, है ना, तो फर्म की गुडविल ही बहुत अच्छी हो जाती है। फिर नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस आपका कैसा है, किस नेचर का है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स किस तरीके से आपके पास आ सकते हैं। एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, एफिशिएंट फंक्शनिंग मतलब आपके यहाँ जो काम करने वाला स्टाफ है वो कितना एफिशिएंट है, आपके मैनेजर हैं, आपके काम करने वाले वर्कर्स हैं, कितना एफिशिएंटली फंक्शन करते हैं, राइट। लाइसेंस है ना, जो अगर लाइसेंस आपने ऑपरेट किया हुआ है, इसका मतलब आपके फर्म की गुडविल अच्छी है। पर्सनल पॉपुलरिटी, आपकी अगर खुद की अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी अच्छी है तो डेफिनेटली आप अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे होंगे वो भी आपका पॉपुलर हो जाएगा। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेन बात है, बिल्कुल मेन बात है। देखो, गुड क्वालिटी तो डिपेंड करती है, भले ही फिर आप अपनी पब्लिसिटी करें भी नहीं तो भी आपकी आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। कैसे, देखो एक टीचर होता है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है ना, तो उसकी पर्सनालिटी का, उसकी लुकिंग का, कि वो कैसा दिखने में लगता है, वो मैटर नहीं करते स्टूडेंट। स्टूडेंट को क्या चाहिए कि जो वो पढ़ना चाहते हैं वो उनके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ रहे हैं आप। क्वालिटी मेंटेन रहती है ना, क्वालिटी मेंटेन रहती है ना। तो आप किसी की स्पेशलिटी से, उसके आउटलुक से एक बार तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बार बार नहीं हो पाएंगे, राइट। तो क्वालिटी, इसीलिए गुड्स में हमेशा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली गुडविल अपने आप अच्छी हो जाएगी। इम्प्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया जा रहा है तो लोग, आपकी गुडविल अच्छी होती है। और क्या होता है, नेचर ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स किस तरीके के हैं आपके आसपास, जिस एरिया में आपने अपनी गुड फर्म सेटअप कर रखे। जैसे लेट सपोज हम पढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट नहीं है तो पढ़ाएंगे किसको, ठीक है ना। तो टीचर के लिए उसका कस्टमर कौन होता है, उसके स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट नहीं है तो वो बेकार है बिल्कुल, किसे पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। और स्टूडेंट हैं और टीचर नहीं है, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपके नेचर ऑफ कस्टमर पर डिपेंड करता है, ये वो कैसे हैं। आगे आते हैं, आखिर फिर मतलब वैल्यूएशन की ज़रूरत ही क्यों है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ती है वैल्यूएशन की। वो तो बहुत सिंपल, अब जो हम बात बता रहे हैं आप सिर्फ ऐसी समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा हम कब करेंगे। हम देखो, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, हम अपने बिल्कुल भी टॉपिक से नहीं हटेंगे। तो जब जब किसी भी फर्म में एक पार्टनर एंट्री करेगा, गुडविल ऑफ वैल्यूएशन होगा ही होगा, ठीक है। जाएगा, रिटायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ख़त्म हो गई, बस इतना सा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग चेंज करते हैं अपना आपस में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है, है ना। इसको याद करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अब आपको मेरी ये बातें याद रहेंगी ना, कि जब जब इस टाइप का कोई भी काम होगा आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना ही करना पड़ेगा। चलते हैं आगे,
गुडविल का नेचर आ जाता है। गुडविल का नेचर ये थोड़ी सी हम समझा देते हैं। देखो दो तरीके की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर है, परचेज गुडविल मीन्स अगर हम किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं उसके साथ साथ उसकी गुडविल को भी खरीद लें, ठीक है, उसके साथ साथ उसकी गुडविल को भी खरीद लें, उसके लिए हमको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, कंसिडरेशन में जाएगा ये सारा पैसा। तो ये AS 26 मतलब अकाउंटिंग सेक्शन 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दिस शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो ये जो परचेज गुडविल होती है ये अकाउंटेड की जाती है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, जो हमने खुद से मेहनत से, है ना, हमने खुद से अपनी मेहनत से अपना ये एक कह सकते हैं हम अपने एक स्टैंडर्ड पर पहुँचे हैं, तो वो बुक्स में कहीं पर भी उसका अकाउंटेड नहीं की जाती है, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। अच्छा, ये इससे जो भी ये नेचर है इसका गुडविल का, ये पहले भी आपने लास्ट उसमें पढ़ा था, लास्ट ईयर मैंने 11th क्लास में, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं तो उसमें डेबिट साइड में सारे एसेट्स दिखाते हैं और आपकी क्रेडिट साइड में जितने भी आपकी लाइबिलिटीज होती हैं वो आपको शो कर देते हैं, और जो बैलेंस होता है उसका बैलेंसिंग फिगर अगर वो डेबिट साइड में है तो वो गुडविल कहलाती है, अगर वही क्रेडिट में होता है तो वो कैपिटल रिजर्व होती है, ठीक है। बस इसी को हम क्या कहते हैं, जब गुडविल परचेस की जाती है तो परचेस गुडविल का ऐसे ही निकाल दिया जाता है। एसेट्स लिख देंगे हम सारी, हम एसेट्स लिख देंगे यहाँ पर डेबिट में सारी, जैसे माना हमने क्या लिया, एसेट्स में कैश आ गया हमारा, है ना, कैश आ गया, फर्नीचर वगैरह आ गया, कुछ भी आ गया, और टू हमने कैपिटल है, टू लाइबिलिटीज़ है, तो यहाँ जो बचता है हमारा इसको हम क्या कहते हैं, गुडविल। ये परचेज गुडविल होती है। हम डिटेल में इसको नहीं समझाएं क्योंकि इसका कोई अभी कोई मीन नहीं है आपका, आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है, है ना। ये हमारी हो जाती है परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड वो होती है जो हम खुद से अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से अगर हम किसी को काम को करते और हमारा बिजनेस जो है वो बहुत अच्छी उस पर जाता है तो डेट इज़ कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। इसका ही वैल्यूएशन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं गुडविल का वैल्यूएशन, भैया ये मेन है आपका, यहीं ये चीज़ सीखनी है आपको इसके अंदर, तो आप सीखें। देखो गुडविल का वैल्यूएशन होगा तीन मेथड में, एक होता है एवरेज मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अभी आज इस पार्ट वन में, गुडविल के पार्ट वन में हम आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड ही समझाएंगे, सेकंड वाले वीडियो में सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड बता देंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड लेकर चलते हैं पहले हम। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, बिजनेस हम जितना भी अर्न करते हैं ना, प्रॉफिट होता है उसके अंदर, नहीं होता, प्रॉफिट होता ही होता है, ठीक है। हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज क्या हो जाएगा इसका, हम गुडविल का वैल्यूएशन करना है ना हमको, तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या हम कभी लॉस भी हमको हो रहा होगा, ठीक है, लॉस भी हो रहा होगा, किसी भी वजह से लॉस हो सकता है हमारा बिजनेस, हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी या फिर कुछ फ्लड वगैरह आ गया, फायर हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या होता है कि हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमको कई सारे ईयर के प्रॉफिट उन्होंने दे रखे होंगे क्वेश्चन में, हम उन सारे प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितने भी ईयर के प्रॉफिट हमने ऐड किए उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जितने टाइम के लिए गुडविल पूछा होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हमारे आंसर आ जाएंगे। अब जैसा हमने कहा ना, ये जितना ईजी आपको दिख गया उतना ईजी एक्चुअली ये है नहीं है, बस यही हमको आपको समझाना है, ये आप समझ लें। यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम होगा कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं आप प्रॉफिट्स को यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट। चलिए हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे ना 3 ईयर्स के प्रॉफिट लेके चलते हैं, 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे उन्होंने, एक 4000 का, एक हो गया हमारा 5000 का प्रॉफिट्स हैं ये, ठीक है, 4000 प्लस हो गया हमारा 6000। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, स्टेप वन, हमें जितने भी हमारे प्रॉफिट्स दे रखे होंगे जितने ईयर्स के, उनको हम पहले एक साथ इकट्ठा सम कर देंगे, ये हो जाता है हमारा 15000 का। अब एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो मेन जो काम हो गया हमारा ये प्रॉफिट्स का हो गया, पहले प्रॉफिट इन्होंने हमको क्लियर करके दे दिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यहाँ पर आ गया 15000 / 3 5000। उन्होंने उसमें बोला है गुडविल ट्वाइस 2 ईयर्स के बेसिस पे निकालनी है, तो 5000 / 2, तो गुडविल का वैल्यूएशन हो गया हमारा 10000 का।
एक ही सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल। इसमें यहाँ पर कोई भी कोई किसी, अच्छा ये क्वेश्चन अगर यहाँ लॉस होते तो हम इसमें लेस कर देंगे, अगर किसी ईयर में लॉस हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होगा, इन सब का पहले तो टोटल लगाना, दूसरा स्टेप क्या होगा एवरेज निकालना, और तीसरा स्टेप होगा हमारी गुडविल का वैल्यूएशन करना। क्लियर है ना, चलते हैं। अब हम आपको जो मेन चीज़ बताने जा रहे हैं वो समझें आप इसकी, ये जो प्रॉफिट होते हैं, ये जो प्रॉफिट है सारे, ये प्रॉफिट तो ठीक है, पर बस इन प्रॉफिट को हमको, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, इन प्रॉफिट्स में से सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट करने होते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ही यहाँ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि जो प्रॉफिट हमको दे रखे होंगे सारे, आप ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन को, ये प्रॉफिट जितने दे रखे होंगे उसमें से, उसमें जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज होंगे, एबनॉर्मल लॉस जो इस जिस भी ईयर से रिलेटेड टू डेट ईयर, वो हम क्या कर देंगे, उनको हम कर देंगे ऐड उस प्रॉफिट में से जिस ईयर का होगा। जैसे 2020 का है माना कोई भी, उसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हम उसे तुरंत ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर एबनॉर्मल गेन होगा कोई, एबनॉर्मल कोई भी गेन अगर हो रहा होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन को, है ना। लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, इन सबको हम क्या कर देंगे यहाँ पर, लेस कर देंगे। और इसी ऐसे ही अगर ये लॉस हो रहे होंगे हम इसको क्या कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये शायद उल्टा बोल दिया था, एबनॉर्मल लॉस लॉसेस में आता थे जैसे कि ना मतलब जैसे आग लग जाना है ना, या फिर चोरी हो जाना, इस टाइप का मतलब एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, अचानक हो जाए है ना। शिप हमने भेजा पानी में डूब जाए, गेन कौन सी हो गई एबनॉर्मल, जैसे हमने कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, गेन हो गया, लेस कर देंगे उसको हम, ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अगर हमने कोई भी सेल की है फिक्स एसेट्स की तो वो ऐड कर दो, ठीक है। अगर लॉस पे किया गया है तो, अगर गेन है तो वो मतलब सीधी सीधी बात है, सारे लॉसेस क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे, गेन कितने क्या किए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे। अच्छा अब समझें, ओवर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है, ऐड कर दोगे आप उसको, याद कर लेना इन सब चीज़ों को, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है ना, और क्लोजिंग स्टॉक का लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे जिनकी मतलब कोई भी उम्मीद ही नहीं है कि वो फ्यूचर में होंगे ही होंगे, वो ऐड कर दिए जाएंगे सारे। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे चार्ज किया गया कि मशीनरी परचेज़ की गई है और फिर रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट कर दिया गया है, ऐसे वाले जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे वो सारे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, है ना। यहाँ कुछ थोड़ा नहीं भी आ रहा होगा, हमको पता है ये इतना ईजी नहीं है जितना ईजी तरीके से हम बोले चले जा रहे हैं, इसको इतना ईजी नहीं, लेकिन आप समझेंगे चीज़ों को तो बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पार्टनर्स के रेमुनरेशन अगर होते हैं तो वो डेफिनेटली, अगर वो नहीं डिडक्ट किए गए हैं तो वो तो आपको देने ही देने पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो आप लेस करेंगे। पार्टनर्स के मैनेजर की सैलरी वगैरह वो आप लेस करेंगे ही करेंगे, हर हालत में करेंगे। फ्यूचर के एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम में लेस कर दो आप, ठीक है। अच्छा, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इसके बारे में हमने बताई दिया, वो तो आपके लेस हो ही जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का ज़रूर से याद रखेंगे, अगर ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके याद करें, अगर ये हम समझा देंगे आपको अच्छे से, अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन, अब एक बार समझा दें लाइए आपको अच्छे से। देखो, वैल्यूशन करना है हमको, क्लोजिंग स्टॉक है, सोचो आप क्लोजिंग स्टॉक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन हो रहा है माने इस ईयर का, ठीक है, इस ईयर का हो रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन। और क्लोजिंग स्टॉक का ये इस ईयर का वैल्यूशन हो रहा है और वो कैसा हो गया, अंडर वैल्यूशन कर दिया गया, अंडर वैल्यूशन माने हमने उसको कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है ना, है ना। अब नॉर्मल लॉस हो गया ना हमारा, हमने अपना स्टॉक कम दिखाया ना, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इस ईयर में तो ऐड करेंगे आप यहाँ तो आपने। अच्छा, इसकी वजह से आपके ओपनिंग स्टॉक पर भी तो अंतर पड़ा ना, आपके ओपनिंग स्टॉक पर अंतर पड़ा, आपका प्रॉफिट आपने बढ़ा लिया होगा उतना,
है ना, तो यहाँ पे इसे कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गेन हो गया था अननेसेसरी। ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देना। क्लोजिंग स्टॉक हम अंडर वैल्यूएशन सिखा रहे हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर में हुआ है उस ईयर में तो आप इसको ऐड करेंगे, और ओपनिंग स्टॉक को उसके अगले वाले ईयर में जा करके लेस कर देंगे। अब इसी का अपोजिट कर लेना, अगर ये ओवर वैल्यूएशन है तो यहाँ लेस होगा, यहाँ ऐड होगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग, है ना, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मोस्टली क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए बहुत आराम से, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आई? ठीक है, अब चलते हैं। देखो हमने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन तो सॉल्व करा दिया था अभी, है ना, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की साइड, क्योंकि देखो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, और एक और चीज़, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो बहुत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने आपको ये वैल्यूएशन इसका सिखाया कि ये वैल्यूएशन बार बार आते हैं, वैल्यूएशन के बिना नहीं हो पाता। अच्छा चले, क्वेश्चन भी हम कहाँ से लेके आते हैं, हम आपको आप ही के बुक का ही क्वेश्चन कराए देते हैं। ठीक है, हाँ तो एक क्वेश्चन आपको आप ही की ये बुक है, हम क्वेश्चन हम बुक में से हम आपको क्वेश्चन आपको शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको कराएंगे, एक बड़ा सा हमने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं, इस पर सर्कल बना देते हैं, क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा पास से शो कर देते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हाँ चलते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये ना दो ये अच्छा, इससे बाकी जो चीज़ें अभी हम उसको मैटर नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन आपको इसमें सिखा देंगे। क्या है, दो लोग हैं भास्करों के लिए अपार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2, उन्होंने एडमिट किया है, दे एडमिट है ना, और उसके बाद क्या किया है उन्होंने 1/4 के लिए लिया है कनिका ब्रेंस इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल फॉर दिस पर्पज टू बी कैलकुलेट फॉर द 2 ईयर्स ऑफ द परचेस ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, चलो 17, 18, 19 तीन साल के हम ये ले लेते हैं और हम इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, लेकिन सिंपल ही समझो पहले। देखो हाँ, तो 2017 देन 2018 हम ये पहले लिख लेते हैं सारे, ठीक है, और 2019। ठीक है, अच्छा अब 19 तक तीन हो गए, अब हम इनके प्रॉफिट्स लिख लेंगे सारे, इसके सामने लिख लेते हैं पहले 19 में, है ना, प्रॉफिट लिख लेते हैं। इसका 50,000 का है और इसका हो जाता है 20,000 का लॉस है, वो भी ब्रैकेट बंद करा देते हैं, और ये 70,000 रुपीज़ का है। अब इसका एडजस्टमेंट करते हैं हम तीसरे वाले इसमें, एडजस्टमेंट ये तो हो गए प्रॉफिट्स हमारे। राइट, फर्स्ट में 50,000 रुपीज़ में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है 5,000 रुपये का, तो हमने जितने भी गेन होते हैं हमें वो गेन तो लॉस करने होते हैं ना, कितने का रह जाएगा ये 45,000 का। राइट, सेकंड में ये लॉस है 20,000 रुपये का और इसमें लॉस ही इंक्लूड है 30,000 रुपये का। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट होता और ये लॉस था 30,000 रुपये का तो ये ऐड हो जाता, लेकिन क्योंकि ये लॉस है ना, ये 20,000 रुपये का लॉस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ सकते हैं लेस कर दिया जाएगा वही, और ये जब हम लेस करेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। समझ गए, क्योंकि ये लॉस है ना, 20,000 का लॉस है ना, है ना, 20,000 माइनस के प्लस 30,000 बचेगा, 10,000 तो बचेगा। क्लियर, चलो आगे जाते हैं। 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है और इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी है 18,000 रुपये का और एक इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी है हमारा 8,000 रुपये का, तो 18,000 प्लस 8,000 दोनों ही हमको प्रॉफिट हुए हैं, दोनों ही चीज़ों को हम लेस कर देंगे 70,000 रुपीज़ में, कितना बचेगा हमारा 44,000 रुपीज़ का। समझ में आ गई, अब हम इनको तीनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे प्रॉफिट हो गए जो तीनों ऐड किए जाएंगे, है ना, ऐड बन के हो जाते हैं 99। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अपना हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया,
दूसरे में हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। नंबर ऑफ कितने हैं, 3 थे ना, 33,000 का आ गया ना। अब करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितने टाइम के लिए बना रखी है उन्होंने, 2 इयर्स परचेज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज योर आंसर, क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अभी को वन मोर क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा था ना, है ना, समझ में आ गई इतनी चीज़ें मेरी, आ जाएंगी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जैसे आपने एक बार देखा ऐसे आप इसको दो बार देखें वीडियो को, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी सारी। कैसा, और फिर हम बार बार कहते हैं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये तो रही एवरेज की बात। अगर हम इसमें एवरेज वे प्रॉफिट मेथड को ही इस दो पार्ट किए जाते हैं, एवरेज के साथ साथ वेटेड भी आता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, प्रॉफिट सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, रूल वही लगेंगे कि जितने भी लॉसेज होंगे उनको हम ऐड करेंगे और जो गेन होंगे उन्हें लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा लॉसेज को ऐड कर दिया जाएगा, गेन को सब, सॉरी है ना, हम उल्टा बोल रहे थे यहाँ पे, लेकिन बस उसमें वेट दे दिए जाएंगे, बिल्कुल बाकी सब सेम होगा, बिल्कुल वेट दे देते हैं उसमें हम। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा अगर हम क्वेश्चन लेकर के चलते हैं तो सिंपल में तो कुछ नहीं है, पहले आप प्रॉफिट लिख लें सारे, प्रॉफिट को एक एक वेट दे दें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई कर दें आप, टोटल कर दें और टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे आपका। ठीक है, पर हम चाहते हैं आपको एक अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन करा दिया जाए इसका, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। वेटेड वैसे वेटेड सिंपल है एकदम, पर है बिल्कुल ऐसा ही। ओके, चलते हैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, चलते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बस पेशेंस के साथ। ठीक है, कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें अलग बड़ा करा देते हैं, तो एक बार में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों। ठीक, सब कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमें इसको, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, तो पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ देंगे आपके सामने, आपके सामने स्क्रीन शॉट आपने ले लिया होगा। देखो, प्रॉफिट दे दिए उन्होंने हमको 5 सालों एक दो, सॉरी 4 ईयर्स के ही हैं खाली बात। अच्छा, नीचे जो बात कही गई हमें वो देखने, On 1st December 2017 अ मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 30,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, एक मेजर रिपेयर था, प्लांट कितने का था, 30,000 रुपये का, उस पर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं सेकेंड, इसमें हम आपको क्लोजिंग स्टॉक सिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर ये 16-17 में है, ओवरवैल्यूड हुआ है 12,000 रुपये से। ठीक है, आगे आते हैं टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड वर चार्ज 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, 24,000 रुपये का मैनेजमेंट कॉस्ट है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है On 1st April 2016 अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 वाज सोल्ड फॉर ₹11,000 बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो इफेक्ट हैज़ बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पर 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके, प्रॉब्लम हटाओ, करना शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। कोई हम पहले लिख लेंगे सारे, क्योंकि हमारे पास 4 हैं, है ना, 4 ईयर्स के हैं हमारे पास, तो 2000 यहाँ से लिखना शुरू हो रहा है ना, हाँ 2015-16, 2016-17, 17-18, then 18, राइट। अब हमें सबसे पहले इनके जितने हमको मिले हैं वो लिख देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा 1 लाख का, और आ जाता है हमारा 1 लाख, सही है? ठीक है, चलते हैं। देखो, इससे 15-16 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बस एक खाली जो मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करनी है हमको, वो हमें हर ईयर पे देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, है ना, तो ये मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट है, ये तो जानी ही जानी है।
इससे हमारा इतना प्रॉफिट कम हो जाए। हो गया, चलते हैं। ये थर्ड पॉइंट का काम फिनिश हो गया, अब हम चलते हैं अपना। सबसे पहले हमारा काम हो जाएगा ये कि ये एक मेजर 1 दिसंबर 2017 इस वाले ईयर की बात कर रहे हैं इस टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट 17 में एक मेजर रिपेयर वाज मेड हुआ था, 30,000 रुपये का प्लांट था उस पर, ठीक है। उस पर हम लगा देंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो 30,000 पर 10% से, और वो भी दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से लगाना है हमको। हम इसको पेज दे देते हैं, यहाँ आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाते जाएंगे। देखो 30,000 रुपये का था, 30,000 का 20% से लगाना है, सॉरी 10% से लगाना है, और कितने 4x12 का लगेगा, नहीं लगेगा उसका, सही लगा रहे हैं हम एकदम करेक्ट, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। 10% से लगा देंगे, और कितने मंथ्स का लगा देंगे हम, सिर्फ 4 मंथ्स का लगा देंगे। कितने रुपए आ जाएंगे ये, 1,000 आ रहे होंगे, आगे 1,000 इस वाली ईयर 1,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन है, इस लगा 1,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर, अब ठीक है। चलें अब यही वाला प्लान, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड दे रखा है, इस वाले ईयर के लिए कितने का रह गया, 29,000 का रह गया ना, 29,000 का है ना, 29,000 का 10% लगा लो पूरा, कितना हो गया एप्रिसिएशन 29,000, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का काम ख़त्म हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक सीखो, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 1617 में ओवरवैल्यू हो गया था 12,000, इस वाले ईयर में 12,000 से ओवरवैल्यू था इस वाले ईयर में, ठीक है, 12,000 रुपये ओवरवैल्यू हुआ था, कम कर दो इसको, कम हो गया। अगले साल के लिए वो हमारा क्या बन गया होगा, ओपनिंग बन गया होगा, यहाँ पर आकर के 12,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे किसके, ओपनिंग स्टॉक के। ये किसका था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का था, सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। ओवर वैल्यूड हुआ है 12,000 रुपये से, आप इससे लेस करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा ओपनिंग स्टॉक भी इफेक्ट हुआ होगा, है ना, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, तो उसमें हम जा कर के यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट हमारा हमने क्या कर दिया होगा, भाई हमने 12,000 रुपये से स्टॉक कम कर लिया अपना, तो इफेक्ट हमारा उस पर आया कि नहीं आया, ओपनिंग स्टॉक पर, वहाँ जाकर इसको ऐड करो। इतनी बात मेरी समझ आ गई तुम लोगों को, चलते अब हम आगे। बस एक लास्ट पॉइंट और रह गया हमारा, एक मशीन है हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000 बाद सोल्ड ₹11,000 फर्स्ट आफ्टर 2016 को हमने ये काम किया है, इसमें इस वाले ईयर में हमने काम किया कि 10,000 रुपये की मशीन भी हमने बेचा है, तो पहले तो तुरंत 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर लेस कर दो। क्यों लेस करने, क्योंकि उन्होंने ये बोला है ना कि बट द प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इसको हमारा ये यहाँ पे इसको वापस से यहाँ पे लेस करो, इसके लिए कोई इफेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए ये काम किया गया। डेप्रिसिएशन जरूर हम इस पर चार्ज करेंगे आप नेक्स्ट ईयर के लिए, कितने पर, 10,000 पर, ठीक है। इस 10,000 पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, ओके। 10,000 इसमें 1 अप्रैल पर इसमें लग गया होगा, एक तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर, नेक्स्ट ईयर पर आते आते कितने की मशीनरी रहेगी, 10,000 पर, 10,000 का लगाएंगे 10%, सॉरी 1,000 लेस करने के बाद कितने की रहेगी, 9,000 की, 9,000 का कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाता है, 900 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ लेस करो उस वाली मशीनरी का, फोर्थ पॉइंट की, समझ में आ गई। और जब 9,000 में से इस 900 को भी हम लेस कर देंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है ना, पढ़ा हुआ है 7-11 क्लास में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो कितने का रह गया, तो 810 रुपये का इस वाले ईयर में रह गया डेप्रिसिएशन, ये भी डेप्रिसिएशन, ये मशीनरी, समझ आ गया, मशीनरी पर हमको ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
इस वाले ईयर में सिर्फ दो ही अमाउंट है, 1,01,000 प्लस 24,000 का प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 1,24,000 और हो जाता है हमारा 24,000 और हो जाता है हमारा 10,000 और हो जाता है हमारा 24,000। 17 में आ जाते हैं, 1,00,000 का हो जाता है। और इसके बाद इसमें एक और था प्लांट, प्लांट का काम तो छोड़ ही दिया है हमने। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ना, ऑन 1st December एक मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनके 30,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। ये रिवेन्यू प्रॉफिट हो गया था भाई, 1,00,000 में से ये 30,000 रुपीज़ का और प्रॉफिट ऐड कर दो भाई, सबसे ऊपर ही होगा कायदे से ऐड प्लांट के हैं ये, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा। क्लियर है मेरी बात, है ना, ये चार्ज था रिवेन्यू के लिए 30,000 रुपये ये ऐड होंगे इसके अंदर, 21,000 रुपये ये आ गए, ठीक है, बस बाकी सब तो क्लियर है। उसके बाद ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 1,40,000 रुपीज़ का ये था, 24,000 तो सब में से ही हमने लेस किए हैं, ये 2,900 रुपये आपको क्लियर थे, ये उस वाले अमाउंट में से आए थे ना निकल करके जिसमें प्रॉफिट किया गया था, ठीक है, और ये 810 ये डेप्रिसिएशन के थे, ठीक है, 30,000 का 10% हमने लगा दिया प्रॉफिट हुआ डेप्रिसिएशन, है ना, और डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचा हमारा 29,000 का, उस पर 29,000 ये लगा दिया गया था। बताएं भाई यहाँ पर मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, बस अब कुछ नहीं है, अब टोटल लगाया जाएगा। फिर से यहाँ पर हम कुछ क्लियर करने की ज़रूरत वैसे आई थिंक नहीं है, है ना, आई थिंक नहीं है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है, है ना, ये इस मशीनरी के डेप्रिसिएशन एक डेप्रिसिएशन ये और एक डेप्रिसिएशन इसका ये, बट कैसे आया डेप्रिसिएशन, क्लियर है ना, 10,000 का 10% तो इसी ईयर कट गया, इसी वाले ईयर में, है ना, तो कितने की बची मशीनरी हमारे पास 9,000 की, 9,000 का 10% डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया और 9,000 में से 900 लेस हुए 8,100, तो उस पर 8,100 पर 810 रुपये डेप्रिसिएशन के यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा, ये जो 30,000 रुपये की मशीनरी जो फर्स्ट पॉइंट था इनका हमारा, वो 30,000 रुपये की जो एक मेजर पार्ट था उसका 30,000 रुपये का हमने ये तो यहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस थे हमारे, वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस पर डेप्रिसिएशन लगवा रहे थे ये लोग, तो 30,000 का 10% कितना हो जाता है 3,000, लेस करने के बाद अब वो मशीनरी कितने वो रह जाती है जितने की भी उतने का हमारा यहाँ जाता है ना, क्योंकि वो कब कब हुआ था, 1st December को ही तो हुआ था 17 में, तो कितने का बना था उस पर हमारा डेप्रिसिएशन, सिर्फ 1,000 रुपीज़ का बना था, ये रहा 1,000 रुपीज़ का, तो 30,000 का 1,000 लेस करेंगे तो कितना बनता है हमारा 29,000 रुपीज़ का 22,900 नेक्स्ट ईयर के लिए बन गया, समझ आ गई, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगी शायद, जहाँ तक है नहीं होगी, चलते हैं आगे, बस अब इसको टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं भाई, अब हम जैसे अब हम इसका फर्स्ट वाले का जब हम टोटल लगाएंगे, टोटल हमने लगा रखे हैं अपने पास, तो ये आ जाता है हमारा 77,000 रुपीज़ का। फिर आता है ये सेकंड वाला, हम निकाल लेते हैं अगर, तो ये आता है हमारा 78,000 रुपीज़ का। थर्ड अगर हम लेकर के आते हैं तो वह आ जाता है 1,17,900 रुपीज़ का, और फोर्थ वाला हम लेकर के आते हैं तो आता है 1,13,910। इसका ब्रैकेट में जितना भी अमाउंट है वो सारे हमारे माइनस के फिगर्स हैं कुछ। अब हमें वेटेड निकालना है क्योंकि इनको वेट और दे देंगे 1, 2, 3 and 4 और इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ गई। जैसे ये तो पहले 77,000 ही आ जाएगा, फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 77,000 ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी, ठीक है, ऐसे करके हम इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है, और चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे ये 1, 2, 3, 4 ये चार हो गए, चारों को हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, 4, 3, 7 हो तो 9 और 10 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और जब 10 से हम डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि कितने ईयर के लिए है, वो हमसे पूछ रहे हैं 3 years की परचेज पर निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई बाई 3,
हमारी गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई आपको मेरी बात इतनी? मल्टीप्लाई हमने एक कर दिए हैं इधर 77,156,000 है ना, और ये आ जाता है हमारा 353,700। देन इसका आ जाता है हमारा 455,640। टोटल लगा देंगे इसका अब हम, तो हमारा आ जाता है ये सारे का 10,42,340। इसी को हमको डिवाइड करना होगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 104,234 को, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 312,702। यही आपका आंसर आ रहा है। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी हो, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही स्टैंडर्ड हाई इसका हो जाता है। ठीक है, तो अगर सिंपल से सिंपल, सिंपल में तो कुछ भी नहीं, प्रॉफिट लो सारे जितने भी हैं, वेट दे दो उनको, मल्टीप्लाई कर दो और एवरेज निकाल करके उसका, और जितने नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे होंगे उसे आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आई थिंक अब गुडविल जो है वो उसका क्वेश्चन अब सिंपल आएगा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, एनपीयू जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस में नहीं था, तो क्या होता था कि गुडविल के क्वेश्चन बहुत सारे आते थे और इसका एक न्यूमेरिकल भी आ जाता था, लेकिन क्योंकि एनपीयू दे दिया आपका 10 मार्क्स का, तो गुडविल का पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया और छोटे क्वेश्चन पर रह गया। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सोचें कि मैम तो मना कर रही थी हम नहीं कर रहे, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने आपको एक बड़ा क्वेश्चन करके बता दिया कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ा मतलब जो लेंदी है वो लेंदी होगा ही नहीं कोई भी क्वेश्चन, अगर ये क्लियर है तो आप गुडविल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड के, एवरेज पे सुपर प्रॉफिट और उस कैलकुलेशन में प्रॉफिट पर भी नहीं पहुँचे हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें हम आपको दोनों वो जो आपके मेथड रह गए वो आपको समझा देंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा वो भी वीडियो आपका, ठीक है, क्योंकि इतने एक बार में आप इतना ही समझ लें पहले, क्योंकि ये बेस है, अगर ये क्लियर होगा तो दोनों मेथड अपने आप वो दोनों मेथड इससे ईजी है, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे क्वेश्चन दोबारा समझाना हो या और क्वेश्चंस को लेकर के आना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।